श्री राम मंदिर के लिए आगरा में तैयार हो रहे पेठे से बनने वाले 56 भोग 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में श्री राम के बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। अलग अलग राज्यों से श्री रामलला के दरबार में अलग अलग प्रकार की चीजें पहुंच रही हैं, तो उसमें आगरा के पेठे की मिठास भी होगी, क्योंकि आगरा में श्री रामलला की भोग प्रसादी के लिए 56 भोग पेठे से तैयार किए गए हैं। ये 56 भोग कई जिलों से होते हुए रथ से लेकर जाए जाएंगे जिसकी विशेष तैयारी की गई है। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार गुप्ता मेरा नाम है। मैं ब्रजभोग ब्रज रसायनम समूह का संस्थापक हूँ। ये मेरे को एक सेवा का रूप मिला है, जिसके अंदर मैं पेठे की नई नई वेराइटियों क्रिएट करा रहा हूँ। अक्सर हम लोगों ने आगरा शहर को नई से नई मिठाइयाँ दी हैं, नई से नए स्वाद दिए हैं। उसी श्रृंखला के अंदर इस पेठे की नई श्रृंखला हमने जो है इस माध्यम से दे रहे हैं हम लोग, जिसके प्रयास हम लोग लगे हुए हैं। कितनी तरह का पेठा है? करीबन 56 प्रकार के पेठों को तैयार कराया जा रहा है, जिनके अंदर खास तौर पे हाइजेनिक रूप से चीनी जैसी घास साफ करने के लिए गाय के दूध का प्रयोग किया गया है, फलों के रसों का प्रयोग किया गया है, फलों के रंगों का प्रयोग किया गया है। ये एक पेठा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जो आगे आने वाले और सभी पेठा उद्यमियों को भी एक प्रेरणा देगा। यहाँ से आगरा, ये आगरा से मथुरा क्या होगा, अयोध्या कैसे जाएगा? ये आगरा से एक बहुत अच्छा विशाल रथ बनवाया गया है, जिसके अंदर इस सब सामान को, सारी थालियों को फिक्स करके दिया जाएगा। संग में 4 लोग जाएंगे और ये रथ आगरा, टूंडला, फिरोजाबाद, शुकाबाद रास्तों से होते हुए निकलेगा। इसका सबसे बड़ा सहयोग हमारे आगरा व्यापार मंडल का है, जिन्होंने अपनी सारी शाखाओं को इस बात के लिए अवगत करा दिया गया है। प्रत्येक शाखा, प्रत्येक शहर की शाखा इस रथ की आरती करेगी, अगवानी करेगी, इसका स्वागत करेगी, जो आपको रास्ते पर पूरा स्वागत होते हुए मिलेगा। व्यापार मंडल की तरफ से प्रत्येक शहर की प्रत्येक शाखा को ये अवगत करा दिया गया है कि रथ आपकी आगरा शहर में होते हुए निकलेगा। आगरे के पीठे को ये बहुत सौभाग्य मिला है कि अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी के स्थापना दिवस पर, जो 500 वर्ष बाद हमको ऐसा मौका मिल रहा है जो कि इतिहास में अपने आप को दर्ज कराने जा रहा है, उसमें आगरे के पेठे के 56 भोग प्राचीन पेठा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार और शुभचिंतक और पूरा आगरा बहुत ही खुश है इस बात को लेकर के, क्योंकि जहाँ पूरे विश्व से तमाम उपहार आ रहे हैं, वहीं आगरे से भी पेठे का उपहार जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और ये पूरा रथ में तैयार हो गया, जैसे अभी ये सजाए जा रहे हैं, फिर एक रथ बनाया है हमने, रथ में पूरी जैसे 56 भोग होते हैं अयोध्या तक, वैसे ही ये सच की जाएगा। और आगरे में नगर भ्रमण के बाद में जो भी रास्ते में जितने भी शहर पड़ेंगे उनमें भी नगर भ्रमण करता हुआ अयोध्या पहुँचेगा, इसके लोग दर्शन करेंगे और अपने पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। सबका सपना पूरा हो गया, पूरे आगरे का नहीं, पूरा देश, क्योंकि ये पेठा वैसे विश्वविख्यात है, मगर ये अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी के चरणों में 56 भोग लगाने के बाद में इसका विश्व में परचम और फैल जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।